हेलो दोस्तों, आपको स्वागत है आपका अपना चैनल शेफ मिंटू किचन पर। मैं हूँ शेफ मिंटू। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक ऐसा ज़बरदस्त रेसिपी दोस्तों, जो एक बार खाएंगे तो बार बार आपको खाने का दिल करेगा दोस्तों। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, एकदम सादा जो घरवा खाना होता है बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मशरूम की भाजी। दोस्तों मशरूम का भाजी तो आप बहुत तरीके से खाए होंगे दोस्तों, पर ऐसे भाजी बना के खाएंगे ना बहुत अच्छा टेस्ट आने वाला है, बहुत ही जबरदस्त होने वाला है दोस्तों। आप एक बार ट्राई करके देखिए, एकदम सिंपल हिसाब से आपको बना के दिखाऊंगा दोस्तों। हमने लिया मशरूम 1 किलो। देखिए दोस्तों, ऐसे मैंने रखा मशरूम को दोस्तों काटना है। देखिए दोस्तों, जैसे मैं काट रहा हूँ बिल्कुल ऐसे ही काटना है, एकदम पतला पतला स्लाइस कर लेना है। ऐसे हम पूरा मशरूम को काट लेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैंने पूरा मशरूम को काट लिया है। अभी मशरूम को पकाने का बारी, इसलिए मैंने नॉन स्टिक पैन लिया दोस्तों। नॉन स्टिक पैन को हमने गैस ओवन के ऊपर चढ़ा के गरम कर लिया है। अभी दोस्तों हम डालेंगे ऑलमोस्ट 30 ml तक मस्टर्ड ऑयल। जो 30 ml मस्टर्ड ऑयल डाला दोस्तों, इसको हल्का सा गर्म होने देंगे। उसके बाद हम तड़का लगाएंगे दोस्तों, 1/4 टी स्पून मस्टर्ड सीड। थोड़ा मस्टर्ड सीड को चड़कने देंगे। मस्टर्ड सीड चड़कने के बाद 1/4 टी स्पून जीरा डालेंगे, होल जीरा, जो साबुत जीरा होता है वही डालेंगे। थोड़ा सा जीरा भी चटक जाए, उसके बाद दोस्तों डालेंगे हम ग्रीन चिल्ली डाइस काटा हुआ है, हम ले लेंगे 2 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून डालने के बाद दोस्तों हम थोड़ी देर भुनेंगे। जब ग्रीन चिल्ली थोड़ा सा भुन जाए, उसके बाद हम डालेंगे दोस्तों चॉप ऑनियन 50 ग्राम। दोस्तों ऑनियन को बिल्कुल बारीक काट लेना है। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने काटा हूँ बिल्कुल ऐसा ही बारीक चॉप कर ले करके आपको यूज़ करना है। थोड़ी देर हम चॉप ऑनियन के साथ में भून लेंगे दोस्तों। जब हमारा ऑनियन भी थोड़ा सौते हो जाएगा, उसके बाद हम डाल देंगे मशरूम को, पूरा मशरूम को हम डाल देंगे दोस्तों। उसके बाद थोड़ी देर हम सौते करेंगे मशरूम को, जो हमने तड़का लगाया था, तड़का के साथ में अच्छे से मिक्स होने देंगे दोस्तों। उसके बाद हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। अभी हम हल्दी डालेंगे दोस्तों, हल्दी पाउडर हम डालेंगे दोस्तों 1/2 टेबल स्पून। दोस्तों मशरूम जो होता है, इसमें पानी का कंटेंट ज़्यादा रहता है मशरूम में। सो जब भी आप मशरूम का भाजी बनाएंगे दोस्तों, उस टाइम पे आपको पानी का डालने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि जब भी आप नमक डालेंगे तो मशरूम अपना पानी छोड़ देता है। तो सेम प्रोसेस दोस्तों हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। मशरूम में हमने पानी नहीं डालेंगे, जो नमक डाला था दोस्तों हमने, नमक डालने के बाद मशरूम ने छोड़ दिया है पानी दोस्तों। इसी जो पानी है, इसी पानी में हम मशरूम को पका लेंगे। तो थोड़ी देर हम भूनते रहेंगे दोस्तों ऐसे ही, जब तक मशरूम का पानी सूख ना जाए। थोड़ी देर हम मशरूम को भूनने के बाद दोस्तों हमारा मशरूम का पानी सूख गया है। देखिए दोस्तों, हमारा मशरूम बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अभी हम मशरूम में डालेंगे दोस्तों 1/2 टी स्पून रेड चिल्ली पाउडर। दोस्तों रेड चिल्ली पाउडर हम सिर्फ कलर के लिए डालेंगे। इसके साथ में हम डालेंगे दोस्तों जीरा पाउडर 1/4 टी स्पून। साथ में हम धनिया पाउडर डालेंगे 1/4 टी स्पून। अभी हम डालेंगे दोस्तों 15 से 20 पीस कड़ी पत्ता। दोस्तों कड़ी पत्ता अब लास्ट में ही डालना है, क्योंकि अब कड़ी पत्ता पहले डालेंगे तो उसका फ्लेवर जो होता है वो निकल जाता है। सो कड़ी पत्ता हम लास्ट में डाल के उसके साथ में भून लेंगे। थोड़ी देर भूनने के बाद दोस्तों कड़ी पत्ता अपना फ्लेवर छोड़ देगा, तब तक हमारा मशरूम भी बहुत अच्छे से पक जाएगा। देखिए दोस्तों, हमारा मशरूम कितना बढ़िया तरीके से पक चुका है। अभी दोस्तों हम मशरूम को टेस्ट कर लेंगे। हमारा मशरूम बहुत ही बढ़िया बना है दोस्तों, एकदम परफेक्ट, बहुत अच्छा टेस्ट हुआ है दोस्तों। मशरूम आप ऐसे बना के दोस्तों चावल या रोटी के साथ खा सकते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। दोस्तों ऐसे मशरूम बना के ट्राई कीजिए घर पे, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना दोस्तों।
फिर मिलेंगे एक नया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।